नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। महाराष्ट्र में पहली बार अल्पसंख्यक युवा सांसद का आयोजन किया गया। इस सांसद में अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं की भागीदारी अहम रही। इनमें से कई युवाओं ने मंच पर मौजूद सभी दलों के राष्ट्रीय नेताओं से अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा नीतियों के बारे में सवाल पूछे। उस वक्त कई नेताओं ने मंच से युवाओं के सवालों का जवाब दिया। अल्पसंख्यकों के आरक्षण और सुरक्षा को लेकर खास सवाल उठाए गए। अल्पसंख्यक युवा सांसद में भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं और अल्पसंख्यक समुदाय के बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। विधायक और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वजाहत मिर्जा, विधायक विश्वजीत कदम, पूर्व विधायक वारिस पठान, पूर्व सांसद अमर साबले, संभाजी ब्रिगेड के अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड़, हज कमेटी के सदस्य अफजल दाऊदानी, राष्ट्रवादी के नेता सलीम सारंग, NSUI अमीर शेख, सुफियान कुरैशी थे। अल्पसंख्यक युवा संगठन का आयोजन राष्ट्रीय संयोजक खिसल जाफरी, सुल्तान शाह, शिबान शेख द्वारा किया गया था। इस दौरान राष्ट्रीय संयोजक खिलास जाफरी ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की। चेयरमैन MLC डॉक्टर वजाहत मिर्जा साहब, MLA वारिस पठान साहब, ex-MLA वारिस पठान साहब, और जिन्होंने एजुकेशन में एक इतना परपा किया है, अभी तक लाखों के तादाद में पढ़ के निकले भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार डॉक्टर विश्वजीत कदम साहब, हज कमेटी से रिलेटेड अफजल दाऊदानी साहब, ताकि मैं आप क्वेश्चन पूछ सके लोगों से, हज कमेटी के मेंबर अफजल दाऊदानी साहब, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हमारे भाई साजिद सुपरवाले साहब और सुनील कसुमदार साहब, और स्टूडेंट यूनियन से हमने अटल शेख साहब की वजह से स्टेट प्रेसिडेंट को इन्वाइट किया है। आप इन लोगों से अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि हर पार्लियामेंट का कंसेप्ट ये हमारे कम्युनिटी में चलेगा या नहीं, पिछले कुछ दिनों से चले साहब, हम क्या दावत देकर जा रहे थे तो लोगों के सवाल आ रहे थे, तुम तो जा ही नहीं। सोशल लेवल पे पिछड़े हुए, एजुकेशन लेवल पे पिछड़े हुए, और आप यूथ पार्लियामेंट करोगे। हमने उनसे कहा हम कामयाब होंगे या ना होंगे ये हमें पता नहीं, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ना, और यही इसी का मकसद है। हमने देखा है जब एक युवा इस मंच पे बैठे हुए सभी नेताओं से जो सत्ता में है और विरोध में है, जिन्होंने सत्ता में काम किया और विरोध में भी काम किया है, जब सवाल कर रहा था समाज को लेकर, उसका कॉन्फिडेंस बता रहा था हमारा यूथ पार्लियामेंट कामयाब हो जाए। हम क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या समझना चाहते हैं? 1400 साल पहले एक वाकिए ने बता दिया, हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहते, हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहते हैं, और सामने बैठे हुए ये लोग है, ये हमारी क्वालिटी है और यही इंकलाब लाने वाले लोग। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम सब लोग इस माइनॉरिटी युवा पार्लियामेंट के जरिए हम सब युवाओं को इकट्ठा करके देश में, हमारे समाज में इंकलाब लाएंगे। इसी वादे के साथ अपने बात को खत्म करता हूं कि कोई रोक ना पाएगा ये तूफान बन के आएंगे, कोई रोक ना पाएगा ये तूफान बन के आएंगे, और इसी पार्लियामेंट के युवा अब इंकलाब लेकर आएंगे, इसी पार्लियामेंट के युवा अब इंकलाब लेकर आएंगे। शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।